आज मैं आपको लेकर आया बैंगलोर की हार्डवर्किंग आंटी के पास, जो कि लगाते हैं 30 रुपए में अनलिमिटेड रागी बॉल्स की थाली। और इनकी ये थाली यहाँ पे इतनी सस्ती होती है कि ऑटो ड्राइवर से लेके बड़े बड़े ऑफिसर भी यहाँ पे लंच करना पसंद करते हैं। तो चलिए आज आपको रागी बॉल्स बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो रागी बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले देख सकते हो बर्तन में यहाँ पे पानी डाला जा रहा है। तो रागी बॉल्स के लिए देख सकते हो यहाँ पे बड़ा सा बर्तन आ चुका है, इसी में हमारे यहाँ पे रागी बॉल्स रेडी किए जाएंगे। तो पूरी बाल्टी भर के देख सकते हो उसमें आटा मिला लिया गया है, इसी से हमारी यहाँ पे रागी बॉल्स रेडी की जाएगी। अब यहाँ पे रागी बॉल्स के लिए यहाँ पे रागी डाली जा रही है। इसमें रागी बॉल्स के लिए रागी की प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो रागी को यहाँ पे रेडी करने के लिए 50 मिनट्स लगेंगे। तो इसको अच्छे से यहाँ पे गर्म पानी में पकाया जा रहा है, ऊपर से और यहाँ पे रागी डाली जा रही है ताकि इसको थोड़ा थिक कर लिया जाए। और इसके बाद इसके यहाँ पे बॉल यहाँ पे तैयार की जाएगी। तो बड़े से पतीले को देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से रागी के साथ भरा जा रहा है। तो देख सकते हो ये मटका ऊपर तक अच्छे से भर चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई ऊपर तक पूरा यहाँ पे रागी को यहाँ पे भर दिया गया है, एकदम बढ़िया तरीके से रेडी किया जा रहा है यहाँ पे। तो मटके में ऊपर तक यहाँ पे रागी को भर दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है। तो रागी की बॉल्स आपने बहुत खाई होगी, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको ट्रेडिशनल तरीके से कैसे बनाया जाता है। तो देख सकते हो साउथ में एकदम ट्रेडिशनल तरीके से इसको कैसे तैयार करते हैं। तो लोग रागी की रोटी भी बनाते हैं, बट यहाँ पे रागी की बॉल्स बनाई जाती है जिसको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों के साथ खाया जाता है। तो बड़े से मटके में देख सकते हो इसको अच्छे से यहाँ पे घोटा जा रहा है, जो भी इसमें पानी गर्म किया था उसके साथ देख सकते हो आटे को यहाँ पे अच्छे से चलाया जा रहा है। और कितनी स्पीड में चलाया जा रहा है, कितनी मेहनत का ये प्रोसेस है। तो 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से घोटने में। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करके डो की तरह रेडी किया जाता है ताकि जो बॉल्स है वो अच्छे से यहाँ पे बन जाए। तो आंटी जी देख सकते हो कितने मेहनत से यहाँ पे इसको रेडी कर रहे हैं, रागी को रेडी कर रहे हैं। अगर आपने भी ऐसा प्रोसेस देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो एकदम मटका भर के रागी का देख सकते हो डो अच्छे से यहाँ पे लगा दिया गया है, अब इसी से इसको रेडी किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे लंच के लिए यहाँ पे सारा सामान आ चुका है। तो सांभर का यहाँ पे बड़ा सा मटका आ चुका है, एकदम गर्मा गर्म सांभर देख सकते हो रेडी होकर घर से आ चुका है। तो साथ में यहाँ पे आपको रायता भी मिल जाएगा। तो रायता देख सकते हो बड़े से बर्तन में यहाँ पे डाला जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से रख दिया गया था, अब इसके यहाँ पे बॉल्स बना ली जाएंगी। तो रागी का डो ले लिया गया है, अच्छे से इसको यहाँ पे रेडी किया जाएगा। तो पानी के हाथों से अच्छे से इसकी यहाँ पे बॉल्स बनाई जा रही है, एक एक करके इसको बड़े से बर्तन में डाला जा रहा है। तो जितना भी डो हमने रेडी किया था एक एक करके उनकी बॉल्स बनाई जा रही है। तो जैसे जैसे इसको रेडी किया जा रहा है वैसे वैसे फ्रेश और गर्मा गर्म इसको यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप की प्लेट मिल जाएगी, आपको राइस खाने तो आप राइस लगा सकते हो सांभर के साथ, साथ में 2 पकौड़े मिल जाते हैं। या अगर आपने रागी की बॉल लेनी है तो रागी की बॉल आपको मिल जाएगी, सांभर मिल जाएगा, 2 पकौड़े मिल जाएंगे। आप अगर रागी की बॉल लेते हो या राइस लेते हो आपको सब मिलेगा अनलिमिटेड यहाँ पे 30 रुपए में। आप पेट भर के यहाँ पे सांभर के साथ इसको टेस्ट कर सकते हो, साथ में 2 पकौड़े मिलेंगे। तो फाइनली बैंगलोर की आंटी जी ने यहाँ पे सबसे सस्ती 30 रुपए की लंच की थाली यहाँ पे लगा दी है, जिसमें आपको मिल जाएगी एक रागी बॉल, आपको मिल जाएगी कोकोनट की चटनी, सांभर मिल जाएगा, साथ में मिल जाएंगे 2 पकौड़े। आप पकौड़े एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, सांभर एक्स्ट्रा ले सकते हो, जितना मर्जी पेट भर के यहाँ पे खा सकते हो। तो चलिए चलते इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो रागी की यहाँ पे सबसे पहले हम छोटी सी बॉल बना लेंगे। तो बॉल बनाने के बाद इसको सांभर और चटनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंटी जी ने सांभर काफ़ी अच्छा बनाया है रागी की बॉल के साथ, इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है। तो मैंने बैंगलोर में रागी की बॉल को टेस्ट किया बट नॉर्मली का टेस्ट किया था, बट सांभर के साथ इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो जो भी रिक्शा ड्राइवर आते हैं ऑटो ड्राइवर आते हैं तो यहीं पे खाना खाते हैं, एकदम 30 रुपए में आप पेट भर के यहाँ पे खाना खा सकते हो। आपने राइस लेना राइस ले सकते हो, रागी की बॉल लेनी रागी बॉल ले सकते हो, जितनी मर्जी बार है आप पेट भर के 30 रुपए में खाना खा सकते हो। 8 to 4 4 घंटे सायंकाल और डेली खुलता है? डेली संडे रजा, संडे छुट्टी रहती है, छुट्टी रेस्ट वे कला। एड्रेस है लीजिए मने दो, विजयनगर क्लब, विजयनगर क्लब डाउन राइट साइड बैंगलोर। तो अगर आप भी बैंगलोर में रहते हो या विजिट कर रहे हो और बढ़िया से यहाँ पे लंच में थाली खाना चाहते हो सस्ते में, तो यहाँ पे इनकी 30 रुपए की ये थाली टेस्ट कर सकते हो। रागी की जगह आपको राइस भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आके आंटी जी को जरूर सपोर्ट कीजिए, आंटी जी बहुत ही मेहनत करते हैं। तो इस थाली को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।